बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम काशिफ शाह, जो वाइस प्रेसिडेंट मुंबई एनसीपी यूथ के, हमारे साथ बैठे हैं और आज इनसे हम एक ख़ास मुलाकात करने आए हैं। और वो मुलाकात ये है कि जो हाल ही में फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब, जो एनसीपी के हैं, इन्होंने एक साथ सरकार बनाई थी और उसके बाद अचानक हमारे जो शरद पवार साहब हैं एनसीपी के, उन्होंने अचानक इस बात का नाराज़गी जताई थी कि ये सरकार इन लोगों ने क्यों बनाई। इस बारे में हम काशिफ शाह से हम बात करना चाहेंगे। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जो ये सरकार अचानक बनी और एकदम से हमारे फडणवीस साहब ने जो इस्तीफा दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने देखा कि कैसे आधी रात को लोकतंत्र की हत्या हुई जी, कैसे गवर्नर साहब ने उनको रात में ही राष्ट्रपति शासन हटा के जी उनको इन्विटेशन दे दिया। रात के अंधेरे में आदरणीय अजीत दादा ने वहाँ गए, उन्होंने उनको नेता दल का नेता चुना था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जी। तो 54 एमएलए के उनके पास सिग्नेचर थे, इंक्लूड उनको, तो उन्होंने वो लेटर दिखा के शपथ ग्रहण करी जी। जैसा कि उनके साथ सुबह में 10-11 कुछ एमएलए थे, शाम होते होते सब पवार साहब के आदेश पे वाईबी चौहान आ गए। फिर वहाँ से हम लोग रेनिसेंस होटल पहुँचे सब एमएलए को लेके। तब तक हमारे पास 46 एमएलए थे जी। फिर 49 हुए और अभी तक 52 टोटल एमएलए हो गए। उसके बाद अजीत दादा ने इस्तीफा दिया जैसे कि आज जी। फिर अभी मैं देखा कि 3:30 बजे मुख्यमंत्री साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। तो जिसके पास नंबर नहीं है वो सरकार बहुमत साबित ही नहीं कर सकता, तो उनको इस्तीफा देना ही था। कल फ्लोर टेस्ट 5 बजे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जब उनके पास बहुमत थी तो गवर्नर साहब ने उनको 30 तारीख तक का समय क्यों दिया? हमारा ये था, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि कल 5 बजे तक आप फ्लोर टेस्ट करिए। तो उनके पास नंबर्स थे ही नहीं जी। तो उन्होंने इसलिए अपना इस्तीफा दिया। सुबह का बोला, शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो खैर, दादा ने इस्तीफा दे दिया है, आगे की क्या कार्रवाई है वो मालूम पड़ेगी आपको। शाम 6 बजे आज ट्राइडेंट होटल में नेता दल की मीटिंग है, सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और मित्र पक्ष जो हमारे हैं छोटे, वो सबकी आज मीटिंग है। वहाँ पे घोषणा होगी, नेता दल चुना जाएगा। शिवसेनक पार्टी एक ऐसी उभरी हुई पार्टी है जिसने एनसीपी के साथ अपोजिट में खड़े होकर इलेक्शन लड़ा था, आज वही पार्टी उसी एनसीपी से हाथ मिला रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? कैसा है कि ये राजनीति है, जैसे कि कश्मीर में पीडब्ल्यूडी जो पार्टी थी महबूबा मुफ्ती की, उसके साथ भी गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उनका विरोध करते थे पर समय पे गठबंधन हुआ था। जैसे बिहार में हुआ था नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद दोबारा गठबंधन हुआ था, तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी एक राजनीति था। लोगों ने हमें अपोजिशन में बैठने का वोट दिया था पर सरकार नहीं बना पाए वो लोग 25 दिन तक बीजेपी और शिवसेना। शिवसेना ने हमसे बातचीत करी, लोगों से हमने राय ली, महाराष्ट्र की जनता पूरी फेवर में है, आप देखेंगे कहीं विरोध नहीं है इस चीज़ का। शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी पूरे 5 साल स्थायी सरकार चलाएगी और पूरी ताकत से लोगों का काम करेगी। तीनों पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बना रही है, जैसे कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इसमें किसको सीएम बनाने का एक जो होल्ड लगी कि किसको बनाया जाएगा? जैसे कि शिवसेना का ही सीएम होगा पर कौन होगा वो आज शाम 6 बजे इसका नेता दल का जो नेता चुना जाएगा वही सीएम पद उसको ही मिलेगा। आज सारे नेताओं को एक जगह पे होटल में रखा गया है, इस होटल का सारा खर्चा कौन उठा रहा है? ग्रैंड हयात का होटल, जैसे कि ग्रैंड हयात होटल है जी, इससे पहले रेनिसेंस होटल, सबका वाइट पैसा है। जब भी आप मालूम कर सकते हैं होटलों में जाके कि किसका खर्चा है क्या है, सब वाइट पैसा है, सबने अपना अपना रूम का पैसा दिया है। काशिफ साहब का कहना है कि सारे नेताओं को एक जगह रखा गया है और ये सारा पैसा वाइट पैसा है। आज 26/11 भी है और 26/11 में लोग शहीदों के, जिन जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देते हैं, इस बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल श्रद्धांजलि देते हैं, हम लोग वहाँ नरेमन पॉइंट जाके आए थे आज सुबह में 10 बजे, तो श्रद्धांजलि दी थी सरकार, बहुत अफसोस की बात थी, बड़ी बहुत बुरा घटना हुई थी वो 2008 की बड़ी बुरी घटना थी जी। उसके लिए श्रद्धांजलि देके आए थे हम लोग ने सुबह में,
शाम में जैसे कि सरकार का गठन हो जाए तो फिर शायद सब लोग जाएंगे हमारे नेता। आज जैसे शिवसेना की सरकार बनती है तो इसमें एनसीपी को कितना फायदा होगा? जी देखिए कि कैसा है कि शरद पवार साहब का आपने रोल देख ही लिया जी, कि महाराष्ट्र में यही सीएम थे जो कहते थे राजनीति स्तर खत्म हो चुका है पवार साहब का, तो उन्होंने बता दिया कि राजनीति में अभी टाइम लगेगा आपको पवार साहब। एक सवाल मैं और करना चाहूंगा आपसे आकाश साहब से, जैसे कि आज महंगाई दर इतनी बढ़ गई है कि इंसान जो है खून के आंसू रो रहा है, उनको उनका अपना घर चलाना भारी पड़ गया है। जैसे फडणवीस सर की सरकार थी तो लोग उसमें ही परेशान थे, लेकिन आज अगर शिवसेना सरकार बनाती है तो आवाम को और लोगों को क्या फायदे होंगे? बिल्कुल, जैसे कि फार्मर्स लोग बारिश बेवक्त बारिश से जो उनको नुकसान हुआ है उनका फायदा जरूर होगा, और बहुत सी महाराष्ट्र राज्य की जो योजना होगी वो हम करेंगे। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल था इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी थी, उसकी वजह से 5.6% GDP हुई जी। पहले हमारे जमाने जब था तो ऐसी हालत नहीं थी देश की, नोटबंदी बेवक्त इन्होंने करी, GST बेवक्त इन्होंने लगाया, तो सही निर्णय केंद्रीय सरकार का था नहीं, लेकिन अब राज्य में हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे और लोगों की समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। काशिफ साहब का कहना है जैसे कि सरकार बनती है शिवसेना बनाती है तो शिवसेना लोगों का फायदा सोचेगी, क्योंकि काफ़ी महंगाई से लोग परेशान हैं। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए देश ताज़ा खबरों के लिए।